आते हैं और यही लूटते हैं। हम चाह रहे हैं, ठीक है डॉक्टर साहब, चूंकि आपकी एक जमात, मेरा बिल्कुल आपसे आखिरी सवाल है, आपने एक जमात बनाई और आप कह रहे हैं ये सियासी जमात नहीं है, हम सिर्फ लोगों को शऊर देना चाहते हैं कि वो अच्छे नए पढ़े लिखे तबके को वोट दें, तो इस वक्त पाकिस्तान में जो आला क्यादत है मैं उसमें से दो तीन का नाम लेना चाहता हूं और आपका उन पर तबसरा चाहता हूं ताकि लोगों को क्लियर हो जाए कि आप क्या चाहते हैं। आसिफ अली जरदारी साहब कायद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, जो कि इस वक्त पार्लियामानी अददी अक्सरियत के एतबार से सबसे बड़ी जमात है, आप बताइए आपका उनके बारे में क्या ख्याल है? उसके मामले में जो पूरी दुनिया कहती वो मैं कहता हूँ, जो पूरा मुल्क कहता है मैं कहता हूँ, जिस तरीके से चोर दरवाजे से आकर बैठ गए, जिस तरह वो कन्विक्टेड है फॉरन कंट्री में, ये भी नहीं कि इल्जाम वो कन्विक्टेड है वो, और यहाँ पर जिस तरीके से लूटमार की है, पाकिस्तान इस वक्त दुनिया का बदतरीन रिश्वत मुल्क माना जाता है, तो आप मेरे क्या पूछते हैं सड़क पे चलते हुए? अच्छा, ये आपने ओपिनियन दे दिया, ठीक है। नवाज शरीफ साहब वो मिले हुए हैं, उन्होंने मिलकर साथ काम किया अपनी अपनी हुकूमत चलाने के लिए, सोच रहे कि जी एक मरतबा तुम और एक मरतबा हम, उन्होंने इनको सहारा दिया चोरों लुटेरों को डाकुओं को और उनके साथ शामिल रहे। आखिरी पॉइंट सर, इमरान खान साहब वो थोड़ी सी उम्मीद डाल रहे हैं लोगों को और नौजवान तबका उसमें काफी इंटरेस्ट ले रहा है, तो मैं यही दुआ करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको अच्छे साथी दे और वो अच्छे साथी चुने। ठीक है, राइट।